हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक आरबीसी। आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी। आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी को हम कहते हैं, आरबीसी का दूसरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल, या फिर इसी को कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या फिर इसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी जो है, आरबीसी के बारे में हमको जानते हैं। जैसे आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरी बात है कि आरबीसी कैसे होता है। आरबीसी जो है रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी जो है वो रेड कलर का होता है। लाइफ स्पेन देखना आरबीसी का। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी जो है कितना है? 120 डेज। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना है? 120 डेज। कॉन्ट देखना, कॉन्ट की बात करें तो आरबीसी कॉन्ट जो होता है, आरबीसी कॉन्ट जो होता है वो होता है 5 to 5.5 million पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इन मेल्स। तो कितना होता है कॉन्ट, कितना होता है आरबीसी का? आरबीसी का कॉन्ट होता है 5 to 5.5 million पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम साइड हो जाते हैं, ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको फिर इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं तो आरबीसी काउंट इन फीमेल्स देखना, मेल्स में कितना होता है 5 to 5.5 million पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। उसी तरह से फीमेल में देखते हैं तो फीमेल में कितना होता है 4.8 million पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, इतना काउंट होता है आरबीसी का फीमेल में। मेल के तुलना में फीमेल में जो है आरबीसी का काउंट कम होता है। मेल के तुलना में फीमेल में जो है आरबीसी का काउंट कम होता है। देखना, इसके बाद देखना है कि जो इमेच्योर जो होता है, इमेच्योर आरबीसी जो होता है ये सर्कुलर होता है। इमेच्योर आरबीसी जो होता है वो सर्कुलर होता है, और मेच्योर आरबीसी जो होता है, मेच्योर आरबीसी क्या होता है? बाइकनकेव शेप का होता है। ये कैसे होता है? ये बाइकनकेव शेप का होता है, बाइकनकेव। इमेच्योर जो आरबीसी होता है वो सर्कुलर टाइप का होता है, और जो मेच्योर आरबीसी होता है वो बाइकनकेव कुछ इस तरह का हो जाता है। जैसे कि आप देखना चाहते हैं तो ये मतलब कुछ आप फील कीजिए, जैसे इस तरह का मतलब कुछ बाइकनकेव शेप का हो जाता है, ऐसे इस तरह का हो जाता है बाइकनकेव शेप। उसके बाद बात करते हैं आरबीसी। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखा होगा कि आरबीसी इन कैमल इज सर्कुलर या ओवल। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी जो कैमल में होता है वो सर्कुलर होता है या ओवल टाइप का होता है। और उसके बाद बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो उससे पहले भी बात करते हैं कि आरबीसी का जो है कलर क्या होता है? रेड होता है। रेड क्यों होता है? मैंने पहले भी बता चुका हूं कि यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यहां हीमोग्लोबिन जो है इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है हीम का, यह जो है यह आयरन पार्ट है। ये क्या है? ये आयरन पार्ट है। इसमें क्या होता है? Fe प्लस
टू के फॉर्म में आयरन रहता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा है ग्लोबिन। ये ग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन पार्ट होता है। ये क्या होता है, ये प्रोटीन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात याद रखने वाली बात है। आपने इस तरह के सवाल जो है हर एग्जाम में देखे होंगे कि जो एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन है तो वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो उसका आंसर हो जाता है आपका कितना, 4। तो उसके बाद देखना है कि आरबीसी का फॉर्मेशन, तो यहां पर हमको लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोप्योसिस। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोप्योसिस। यहां पर कंफ्यूज करने की बात है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होता है वो होता है हेमोप्योसिस। क्या होता है, हेमोप्योसिस। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज करता है कि हीमोग्लोबिन तो आरबीसी में होता है, तो हम हीमोप्योसिस जो है आरबीसी के फॉर्मेशन को कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रेड कलर का होता है, और हीमोप्योसिस जो होता है ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है। आप ऐसे कभी गलत टिक करके नहीं आइएगा, जैसे बात है। उसके बाद आप बात करते हैं कि जो होता कहाँ है, ये एरिथ्रोप्योसिस होता कहाँ पर है। हम तो समझ गए कि आरबीसी का फॉर्मेशन जो है एरिथ्रोप्योसिस कहा जाता है, लेकिन ये होता कहाँ, तो ये होता है आरबीसी का फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। कहाँ पर होता है, बोन मैरो। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में था। उसके बाद एक पॉइंट और होता है, एरिथ्रोप्योटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोप्योसिस। हेल्प्स इन एरिथ्रोप्योसिस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। एरिथ्रोप्यूटिन जो होता है ये किडनी से प्रोड्यूस होता है, जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करवाता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिसको कहते हैं एरिथ्रोप्योसिस, हेमोप्योसिस नहीं, एरिथ्रोप्योसिस। उसके बाद आपको पढ़ना है ग्रेवयार्ड या फिर रिजर्वायर ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट्स अकर्स इन स्प्लीन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी का जो डेथ होता है वो स्प्लीन में होता है, मतलब इसको समझ लीजिए कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान हुआ ये, ठीक है। ग्रेवयार्ड या रिजर्वायर ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट्स अकर्स इन स्प्लीन। अब यहाँ एक पॉइंट और आता है कि रिमूवल ऑफ स्प्लीन जो होता है इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम स्प्लेनेक्टोमी। क्या बोलते हैं,
ये वर्ड जहाँ भी एक्टमी वर्ड लगा हुआ उसका मतलब क्या होता है, रिमूवल। जैसे आप कहीं देखे होंगे वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, तो ये से क्या होता है, जहाँ भी एक्टमी लगा होता है ना उसका मतलब होता है वो चीज़ का रिमूवल। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड की कहते हैं स्प्लीनेक्टमी होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो मैच्योर मैच्योर आरबीसी जो होता है कैसा होता है, ये बायकॉनकेव होता है। क्या होता है, बायकॉनकेव होता है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर मेरे तरफ से कुछ त्रुटि रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि ये कहाँ हुआ, और आई होप आप लोगों को ये पूरी बात समझ आएगी। अगर आपको यहाँ पर कहीं भी दिक्कत हो रही है और कुछ भी आप चाहते हैं और इस तरह के वीडियो आप और चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलें, हम आपके लिए तैयार हैं। तो बाय, टेक केयर।